बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और आपके साथ मैं हूँ आपके टीचर दीक्षा, और हम कर रहे हैं साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, तो फर्स्ट टू सिक्स लेसन आपके विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। जिन बच्चों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखे वो पीछे की वीडियोस को भी देखेंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियोज़ को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 7 पौधों को जानिए। ठीक है, आज हम लेसन की रीडिंग लेंगे और कल क्या करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो लेसन की रीडिंग जब होती है तो आप उसको बहुत ध्यान से समझा करो, उससे क्या हो जाता है कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इजीली आप लर्न कर पाओगे, और आप खुद से अगर ट्राई करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है खुद से कर सकते हो, क्योंकि जो आपके आंसर्स हैं वो मोस्टली आपकी लेसन रीडिंग के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेसन 7 पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय का होते हैं बहुत बड़े, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां लालिमायुक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों के पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे भरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें, इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं इन भागों में रंग भरिए। तो ये आपको दी हुई है, पौधे की फोटो दी हुई। तो ये क्या होती हैं, इसकी जड़ें, ये क्या हो जाएगा तना, और ये क्या हो जाएंगी पत्तियाँ। ठीक है, तो आप इनके अकॉर्डिंग इसमें कलर करेंगे। ये हो जाए पत्तियाँ हो जाएंगी आपकी हरी, तना हो जाएगा ब्राउन कलर से, और नीचे मिट्टी का कलर आ जाएगा। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करें, उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो देखो, इस तरीके के पौधे हम देखते हैं ना, जो अब तक हमने पढ़ा वो इस फोटो में दिया हुआ है कि कुछ पौधे क्या होते हैं, विशालकाय मतलब कि बड़े होते हैं, कुछ ही छोटे होते हैं, कुछ बिल्कुल बस ग्रीन धब्बे होते हैं नीचे और वो एक ग्रीनरी शो करते हैं। ठीक है, वो भी पौधे होते हैं। तो ये इस सब प्रकार के जो पौधे हमारे आसपास हैं, कुछ में फूल लगते हैं, कुछ में फल लगते हैं, कुछ में सिर्फ पत्ते होते हैं, कुछ में खुशबू वाले फल होते हैं, खुशबू वाले फूल होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में वो आज हम पढ़ेंगे। 7.1 में है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। एक्टिविटी फर्स्ट, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। मतलब तीनों तरीके की देखिए, आप अपनी हाइट के साथ मापिए उनको, जो आपसे छोटे हों, जो ऑलमोस्ट आपकी हाइट के बराबर हों, और जो आपसे बहुत अधिक लंबे हों। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कितना कोमल है या कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के की तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। और जब सब कुछ आप ये देखते हैं तो 7.1 में आपको एक टेबल दी हुई है। देखो, जैसे टमाटर का पौधा है, ठीक है, वो आपसे छोटा हाइट में होगा, ठीक है, हरा होता है, कोमल होता है, मोटा नहीं होता है, कठोर भी नहीं होता है। तो ये इस तरीके से आपको कॉलम वाइज दी हुई है टेबल 7.1 में। तो आप जिस भी तरीके के पौधे के साथ ये सब जो एक्टिविटी फर्स्ट में दिया हुआ वो देखेंगे तो वो यहाँ पर आप राइट डाउन करेंगे। आगे है, हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। हम अपरेक्षित सभी पौधों की सारणी 7.1 के वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, आप उनके अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलम को भर सकते हैं। ठीक है, बताया ना मैंने ऊपर कि आप अपने साथ साथ जो जो एक्टिविटी करके देखेंगे जिन पौधों के साथ, उनके बारे में यहां लिखेंगे। इस अनुच्छेद के बाद में अंश को पढ़कर कॉलम 4 में भरें। फिर है कि इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 सर्वांगों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। 7.3 में दिखाया गया है हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं शाख। ठीक है, ये सामान्यतः छोटे होते हैं। देखो, ये इस फिगर में दिखाए हुए हैं, इसमें जो हरे और कोमल तने के होते हैं वो क्या हो जाएंगे आपके शाख। और ये क्या हो जाएगा बी में जो आपको फिगर दिखाई गई, जिनका तना थोड़ा सा कठोर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, तो वो किस में आ जाएंगे आपकी झाड़ी। और फिर ये क्या है, जिनका तना अच्छा सा मोटा होता है और ये जो थोड़ी ऊंचाई पे जाके हरी भरी पत्तियाँ, इन पे टहनियाँ आनी शुरू होती है, वो आपके क्या हो जाएंगे वृक्ष। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें क्या बोलेंगे झाड़ी। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इन्हें तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें आप क्या बोलोगे वृक्ष। उपयुक्त विलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम आपको 4 में फिल करना है। नीचे है
आपकी पहेली, जो बोझो और पहेली है वो आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, वो आपके साथ साथ इस बुक को रीड कर रहे हैं। तो अब वो पहेली है, वो जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये साग, झाड़ी और पेड़ के किस प्रकार से भिन्न हैं। आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबने देखा होगा ना मनी प्लांट का पौधा, उसको एक सहारे की जरूरत होती है। लौकी की बेल जो होती है उसको भी किसी न किसी चीज़ के सहारे के साथ ऊपर किया जाता है, ठीक है ना। अंगूर की भी बेल होती है, तो ये पूछना चाहते हैं कि उनको सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, विसर्पी लता। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है, मतलब कि अलग है। संभव है आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले पौधे, वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। 7.2 एक्टिविटी 2। आवश्यक सामग्री, एक गिलास जल, लाल शाही, साकीय पौधा तथा एक ब्लेड। गिलास को एक तिहाई जल से भरें। जल में लाल शाही की कुछ बूंदें डाल दें। साग के तने को के आधार से काटकर गिलास में लगा दें, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अगले दिन शाखाओं का अवलोकन करें। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? ठीक है, देखो ये लाल शाही इसमें डाल के आपने एक शाख का पौधा इधर लगा दिया, तो ये क्या कह रहा है कि ऊपर जो है यहाँ थोड़ी लालिमा आपको दिखाई देगी। तो आप तने की मोटाई काट कर इसे लाल रंग को देख सकते हैं। इसकी जो ये जो तना है इसकी मोटाई को आप काट दें, इसके अंदर देखें कि जो लाल रंग है वो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल जो है वो तने से ऊपर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन, मतलब कि उसको ऊपर तक पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। लाल शाही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ साथ तने से ऊपर पहुँच जाते हैं। यदि जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है, तो समझ में आ गया, जो हम पानी पौधे में डालते हैं वो उसके ऊपर तक किसकी सहायता से पहुंचता है, तने की सहायता से। पहेली ने सफ़ेद फूलों वाले शाखों के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने सफ़ेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा, उसने लाल शाही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया, उसने इसे लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक दो भागों में काटा, एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे भाग को गिलास सी में रख दिया। उसने गिलास बी में लाल शाही तथा गिलास सी में नीली शाही की कुछ बूंदें डाली। ये देखो इस तरीके से एक पौधा लिया उसने सफ़ेद फूल वाला, ए गिलास में लाल शाही, बी गिलास में इसको अब इसने क्या किया, तने को आधा आधा काट दिया, बी गिलास में क्या करी, लाल शाही, और सी गिलास में नीली कलर की शाही। गिलास ए के फूल वाली शाखा तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाएं। जब आपने क्रियाकलाप दो में तने की मोटाई में काटा तथा आपने ध्यान दिया कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित हैं, इससे पहेली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है। आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। 7.3 पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? तो एक जैसे नहीं होते ना, सभी पौधों की जो पत्तियां हैं उनका आकार, उनका रंग सब अलग अलग है। यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग जिससे के द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। ये देखो आपको कोई पत्ती दिखाई गई है, तो ये सब ये क्या है, इसके पटल, और जिससे इससे वो जुड़ी होती है तने के साथ उसको क्या बोलोगे आप, पर्णवृंत, पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आपने अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को इन भागों के पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? पत्ती के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी एक छाप बना लेते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। एक्टिविटी 3 अब हम करेंगे। एक्टिविटी 3, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। ठीक है, नीचे आपको जैसे फिगर में ऐसे दिखाया हुआ है, इस तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़े और उसकी नोक पर कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह बनती जा रही है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे क्या बोलते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है, तो यह शिरा विन्यास जालिका कहलाता है। ये देखो इसके नीचे इस बच्चे ने पत्ती रखी हुई है, फिर उसके ऊपर पेपर है, और पेंसिल को आप इस तरीके से टेढ़ी करके ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको एक पत्ती जैसी संरचना आपके पेपर पर दिखाई देगी।
ये देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना पत्तियों में वो आपको दिखाया गया है। ये देखो इस तरीके से ये पत्तियों में ये बनी हुई हैं लाइंस, आपको अलग अलग दिख रही, तो इनको क्या बोलेंगे, शिराविन्यास, जो समांतर हैं, ठीक है। और ये क्या है, जालीदार, जालिका रूपी, इसमें अलग से सिर्फ आपको एक मोटी लाइन दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको आप क्या बोलोगे, जालिका रूपी। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसे शिराविन्यास को हम क्या बोलेंगे, समांतर शिराविन्यास। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनमें शिराविन्यास का अध्ययन करें। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां काम क्या करती हैं, पौधों के ऊपर जो पत्तियां होती हैं उनका पौधे के लिए क्या काम होता है, ठीक है। तना किस लिए काम आया, जो हम पानी डालते हैं तो वो पौधों को ऊपर तक पानी पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पत्तियों का क्या काम है पौधों के ऊपर। एक्टिविटी 4, आवश्यक सामग्री, शाख का पौधा, पॉलीथीन के दो पारदर्शी थैले और कुछ धागे। इस क्रियाकलाप को दिन के समय में करना चाहिए जब धूप खिली हुई हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भलीभांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार इस पॉलीथीन की थैली में ढककर धागे से बांध दें। देखो ये आपको दिखाया हुआ है, इस तरीके से आप एक टहनी लेंगे, ऊपर से क्या कर देंगे, पॉलीथीन से बांध देंगे और कुछ हिस्सा नीचे छोड़ देंगे। अब हमें पता चलेगा कि पत्तियों का काम क्या होता है। पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध कर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं, किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं, क्या आप बता सकते हैं कि बूंदें कहाँ से आई। देखो एक में हमने क्या किया कि कुछ पौधे की पत्तियाँ डाल के और ऊपर से उस पर पॉलीथीन को बांध दिया, एक सिंपल हम बिना कुछ डाले पॉलीथीन को धागे से बांध के धूप में रख देंगे, ठीक है। तो जल की यह बूंदें पत्ती के जल वाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को आप क्या बोलोगे, वाष्पोत्सर्जन। इस प्रकरण के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इस विषय के बारे में लेसन 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा, क्या पौधों में वाष्प सर्जन से निकले जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते। अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन में की थैली पर दिखाई देने लग जाता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें, ठीक है। एक कार्य आपको पता चल गया कि ये वाष्पोत्सर्जन करती हैं और पौधे जो है बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब एक्टिविटी 5 की हेल्प से हम पत्तियों का दूसरा काम देखेंगे कि दूसरा काम क्या है। आवश्यक सामग्री, पत्ती, स्प्रिट, बिकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें, जिसमें पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल के आधे भरे बिकर में रखिए। बिकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल में भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। ये देखो आपको दिखाया हुआ है बिकर और ये परखनली पत्तियाँ, ये बाद में पत्ती को जब बिल्कुल इससे हरा रंग बिल्कुल निकल गया तो इसको पानी में धोने के लिए रखा हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या आप देखते हैं, आपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के लिए किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है। हमने अध्याय 2 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियाँ प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ में उपस्थित में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जो पत्तियाँ होती हैं वो प्रकाश से और हरे रंग से उनमें जो उपस्थित चीज़ें होती हैं उनसे वो क्या करती हैं, अपना खाना बनाती, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, मतलब ऑक्सीजन निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। हम कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है तथा यह पौधे के किसी और भाग में यह नहीं पहुंचा। इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। पौधे युक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर जिसमें मंड का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं, क्या इस प्रयोग में आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं। इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुँचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा
कहा शुरुआत स्पोर्ट सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य कौन करती है? जड़। अब हम पढ़ेंगे जड़ के बारे में। लेसन में पौधों को जानिए में हमने अब तक क्या देख लिया। हमने पहले सीखा कि तीन तरह के वृक्षों में हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है, फिर हमने देखा कि पत्तियों का क्या काम, तने का क्या काम होता है, तना क्या करता है, पौधे के पूरे भागों में, टहनियों में, पत्तियों में, सब जगह क्या करता है, पानी पहुंचाने का काम करता है। फिर पत्तियां आती हैं, पत्ती का क्या काम होता है, पत्ती का काम होता है प्रकाश संश्लेषण का, वात्पोत्सर्जन का, और प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से अपना खाना बनाने का। ठीक है ना, तो ये सब काम किसका होता है, पत्ती का। अब आती हैं जड़ें, तो ये हम देखेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि फिर आपका लेसन है बहुत बड़ा, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कल हम समझेंगे जड़ें और इससे आगे का लेसन करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सब। फूल, पेड़ पौधे आपके सराउंडिंग्स हैं, आप उन पे देख के इन एक्टिविटीज़ को खुद अपने हाथों से कर भी सकते हैं। ठीक है, और जब आप खुद करेंगे तो आप उनको भूलेंगे भी नहीं, अच्छे से आपको याद रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक किया करो, और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।